फ्रेंड्स, अभी हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिकल, जो कि है बेस्ड ऑन पैटर्न। यानी आपने देखा होगा या फिर सुना होगा कि जब भी आप आईटी के अंदर कोई भी पोजीशन के लिए अप्लाई करते हो तो वो लोग आपको पैटर्न के प्रैक्टिकल्स पूछते हैं, चाहे वो थियोरिकल राउंड हो या फिर प्रैक्टिकल राउंड। अगर थियोरिकल राउंड हो तो वो लोग आपको बोलते हैं आपका न्यूज, आपका जो रेज्यूमे है उसके पीछे के पेज पे आपको वो लोग क्या करते हैं, पैटर्न एक ड्रॉ करके देते हैं और आपको वो पैटर्न का कोड जो है वो लिखना होता है। या फिर वो लोग आपको सिस्टम प्रोवाइड करें उसमें भी आपको परफॉर्म करना रहता है। ज्यादातर वो लोग कुछ पैटर्न्स कैसे पूछती हैं, तो वो पैटर्न्स हम लोग यहाँ पे आपके सामने प्रैक्टिकल परफॉर्म करने वाले हैं। तो मैं आपको यहाँ पे ट्रिक दिखाती हूँ कि एक ही पैटर्न में आप मल्टीपल चेंजेस करके आप कितनी पैटर्न्स बना सकते हो, राइट? वो मैं अभी आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करके दिखाने वाली हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, पैटर्न ऐसी चीज है जिसमें मल्टीपल लॉजिक्स अप्लाई होते हैं, राइट? थोड़ा सा लॉजिक हल्का सा आपने चेंज कर दिया और पूरी की पूरी पैटर्न चेंज हो जाती है, तो वो प्रैक्टिस के अलावा नहीं होगा। तो मैं आपको यही बोलूंगी, जैसे जैसे मैं कर रही हूँ, आपको भी अपना नोट पेन और पेन एंड पेपर लेना है, उसमें ड्रॉ करना है और मेरे साथ साथ इसको प्रैक्टिस इंप्लीमेंट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली पैटर्न जो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ तो वो देखते हैं। तो सबसे पहली पैटर्न यहाँ पे मैं क्या बनने वाली हूँ, एक स्क्वायर की पैटर्न बनाने वाली हूँ। अब इस स्क्वायर की पैटर्न यानी मैं क्या करूंगी वो पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। मुझे ऐसा करना है, यहाँ पे एक स्टार है, फिर यहाँ पे स्टार, आप देख सकते हो मेरी स्क्रीन पे मैंने यहाँ पे एक स्टार बनाया, राइट? यानी एक रो पूरी की पूरी स्टार से बना दी। अगेन मैं एक दूसरी रो ले रही हूँ, उसको भी मैंने यहाँ पे स्टार से फिलअप कर दिया, ठीक है? फिर अगेन मैं एक तीसरी रो ले रही हूँ, उसको भी मैंने यहाँ पे स्टार से फिलअप कर दिया। यानी आप देख रहे हो मैंने तीन रोज ली हैं और तीनों रो को स्टार से फिलअप कर दिया। अभी आपको तो इतना क्लियर पता चल ही गया होगा कि ये जो है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रो, और ये जो है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कॉलम। तो सिंपली मैं यहाँ पे रो इज इक्वल टू वन ले लेती हूँ और कॉलम इज इक्वल टू वन ले लेती हूँ, ठीक है? तो अभी हम लोग क्या करने वाले, मैंने यहाँ पे तीन लिखा है तो आप चाहो तो पांच तक लेके जा सकते हो। तो मैं यहाँ पे काम कर सकती हूँ कि आपकी रो एक से लेके पांच तक चलनी चाहिए, सेम कॉलम जो है वो वन से लेके पांच तक चलनी चाहिए, राइट? लेकिन कैसे होगा, जब आप रो वन से स्टार्ट करोगे तो अगर आपकी रो स्टार्ट हो रही है वन से तो वो अंदर जाएगी, और कॉलम, कॉलम की वैल्यू पहले क्या होगी यहाँ पे, वन, तो वो ये चेक करता है रो वन एंड कॉलम वन, यहाँ पे वो स्टार्ट प्रिंट करेगा। फिर अगेन यहाँ पे ये इटरेशन, ये वाला ब्लॉक है वो कंटिन्यूअसली चलता है। वन के बाद क्या आता है, वन मोर वन यानी प्लस हो जाएगा, तो वन प्लस वन यानी यहाँ पे क्या होगा, टू होगा। तो यहाँ पे वो जंप करके यहाँ पे जाएगा, क्यों, क्योंकि रो तो वन की वन ही है, तो फर्स्ट रो में ही ये सारे इटरेशन परफॉर्म करने हैं। तो रो इज इक्वल टू वन, यहाँ पे अगेन हम कॉलम में जा रहे हैं तो वो क्या करेगा, सेकेंड कॉलम, ऐसे करते करते थर्ड कॉलम, फिर फोर्थ एंड फिफ्थ, पांच कॉलम खत्म हो गया। तो अभी हम लोग यहाँ पे कंडीशन लिखी होगी कि कॉलम जब तक पांच हो जाती है तब तक वो ये लूप को क्या करेगा, घुमाएगा। लेकिन जैसे ही कॉलम पांच से ज्यादा होती है, राइट, तो वो तुरंत क्या करेगा, ये वाले लूप से बाहर आ जाएगा। जब वो बाहर आएगा तो जो रो की वैल्यू होगी वन, उस वन में भी क्या होगा, प्लस वन होगा। तो यानी रो पहले कितनी थी, वन थी, उसमें प्लस वन हो जाएगा, तो अभी आपकी रो जो है वो क्या होगी, यहाँ पे सेकेंड रो पे आ जाएगी। तो जो वैल्यू होगी वो वन, उसकी जगह पे ये टू थ्री फोर यहाँ तक चलेगा जब तक वो फाइव नहीं हो जाता तब तक, राइट? तो चलो अपने इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं प्रैक्टिकली कैसे परफॉर्म होता है, राइट? तो जनरली यहाँ पे इसी तरीके से हम लोग इंप्लीमेंट भी करेंगे। चलिए, ओके, तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले वेरिएबल्स लेने हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, वेरिएबल डिक्लेरेशन इंटीजर रो एंड कॉलम, ठीक है? फॉर लूप लेंगे क्योंकि हमें तो लूप तो घुमाना ही पड़ेगा। तो रो इज इक्वल टू वन और मैंने यहाँ पे लिखा रो लेस देन इक्वल टू फाइव एंड रो प्लस प्लस। तो आप देख सकते हो यहाँ पे फॉर रो इज इक्वल टू वन एंड रो लेस देन इक्वल टू फाइव रो प्लस प्लस। अभी आप देख रहे हो यहाँ पे फॉर कॉलम इज इक्वल टू वन, कॉलम यहाँ पे लेस देन इक्वल टू फाइव एंड कॉलम प्लस प्लस।
ओके तो मैंने यहाँ पे क्यों ऐसा किया, क्योंकि आप देख सकते हो कि मैंने रो जो है उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या कर दी। नॉर्मली आप देख सकते हो कि ये वाला जो पोर्शन है जहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, रो की जो वैल्यू है वो क्या कर रहे हैं, वन से स्टार्ट करेंगे, राइट। और सेम उसी की तरह मैं कॉलम की जो वैल्यू है वो यहाँ पे कर रही हूँ, वन से स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से ये वर्क होगा। फिर अंदर जाके अगर आपका लूप सही होता है तो वो यहाँ पे अंदर जो है वो डिस्प्ले होके आ जाएगा। इसे क्लियर पता चला? तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो कि आपका जो लूप है वो आप इस तरीके से यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हो, राइट। तो चलिए अपने यहाँ पे इसको प्रैक्टिकली यहाँ पे लॉजिक इम्प्लीमेंट कर देते हैं। प्रिंटेफ कि जैसे ही यहाँ पे ये वर्क होता है तो परसेंटेज डी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, परसेंटेज डी के अंदर यहाँ पे स्टार प्रिंट करवा लो, या एवे में डायरेक्टली लिख देती हूँ, परसेंटेज डी क्यों लिखे, स्टार प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। चले हो गया, अभी यहां से देखते हैं, रन करवाते हैं। मैं रन करूंगी तो आपको आउटपुट जिस चाहिए ना वैसे नहीं मिल रहा है, राइट, क्योंकि पूरा क्या क्या पूरी एक ही रो ले ली, तो यानी ये उसने पांच रो एक ही साथ कर ली, तो हमें पता नहीं चलेगा कि वो कैसे चल रहा है, राइट। तो यहाँ पे पांच रो जो है, राइट, तो यानी एक एक कंप्लीट हो जाए, एक कॉलम फिनिश हो जाए, उसके बाद मुझे यहाँ पे एक कॉलम, पांच कॉलम खत्म हो तुरंत, मुझे इसको प्रिंटेफ क्या कर देना है, स्लैश एन, और अभी हम लोग इसको रन करवाएंगे। तो आप देख सकते हो आप एक बढ़िया सी पैटर्न यहाँ पे बिल्डअप कर रहे हो। इज इट क्लियर? सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि एक पैटर्न हमने कैसे यहाँ पे स्टार वाली पैटर्न, स्क्वायर वाली पैटर्न जो है वो यहाँ पे परफॉर्म कर ली, इस तरीके से बिल्डअप कर ली। चले इसको अभी हमने नेक्स्ट प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। यही स्टार वाली पैटर्न में मैं हल्का सा चेंज कर रही हूँ, अभी मैं आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखाती हूँ। देखिए ओके फ्रेंड्स, तो अभी हमने पैटर्न यहाँ पे स्टार वाली देखी, लेकिन मुझे अगर ऐसी पैटर्न चाहिए तो वन, फिर ये स्टार, फिर एक एक करके ऐसा कुछ स्टार चाहिए, राइट। तो कैसे होगा, तो अभी आपने देखा आपका रो भी वन से स्टार्ट हो रहा था, लेस देन इक्वल टू फाइव तक, आपकी जो कॉलम थी वो भी वन से स्टार्ट हो रही थी फाइव तक, लेकिन मैं अगर एक काम करूं तो कि अपनी जो कॉलम है, हल्का सा लॉजिक है बस, सिंपल कॉलम में स्टार्ट वन से करूं, लेकिन अगर मैं कॉलम लेस देन इक्वल टू रो करूं तो, अभी ये लॉजिक आप देखो क्या होगा, कॉलम लेस देन इक्वल टू रो, यानी पहले में पहले रो की वैल्यू कितनी थी वन, तो लॉजिक क्या बनेगा, कॉलम इज इक्वल टू वन, कॉलम लेस देन इक्वल टू वन, क्योंकि रो की वैल्यू क्या है, वन है अभी, राइट। तो ये वन है, इसके लिए यहाँ पे कॉलम लेस देन इक्वल टू वन, तो क्या होगा, प्रिंट करवा दें हम लोग इसको, तो क्या प्रिंट कर देंगे, यहाँ पे स्टार प्रिंट करवा दें। तो चलो यहाँ पे ये स्टार प्रिंट हो गया, हो गया। फिर अगेन वन, ये कंडीशन फॉल्स होगी तो वो लूप में से यहाँ से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, लूप में से वो चीज यहाँ पे बाहर आ जाए। फिर उसके बाद हमें क्या करेंगे, तो अगेन ये रो की वैल्यू जो है वो वन में से क्या हो जाएगी, टू, तो अगेन दूसरा लूप यहाँ पे घूमेगा क्या, कि भाई कॉलम इज इक्वल टू वन, यहाँ पे कॉलम लेस देन इक्वल टू टू, क्यों टू, क्योंकि हम रो लिख रहे हैं, कॉलम लेस देन इक्वल टू रो, रो में कितनी वैल्यू है, टू है, तो यहाँ पे जाएगा, कंडीशन चेक होगा, सबसे पहले वो स्टार प्रिंट करेगा, उसने ये स्टार प्रिंट किया, ओके। फिर अगेन कॉलम टू, कॉलम लेस देन इक्वल टू टू, तो हाँ ठीक है, वो भी स्टार प्रिंट कर देगा। अगेन फिर देखा कि भाई टू, तो वो फुलफिल हो गया, तो अगेन वो लूप में से बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या करेगा, वो थर्ड रो में जाएगा, तो रो इज इक्वल टू थ्री। इस तरीके से आपका लूप जो है वो क्या होगा, इटरेट होता रहेगा, यानी सिंपली जहां पे हम कॉलम लेस देन इक्वल टू फाइव कर रहे थे उसकी जगह पे अपने को रो करना, जैसे जैसे हम लोग रो की वैल्यू में चेंजेस कर रहे हैं वैसे वैसे आपकी पैटर्न में चेंजेस आ जाएंगे। चले इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर देते हैं। मैंने बस हल्का सा यहाँ पे फाइव की जगह पे रो दिख देना है, और आप देख सकते हो सी आ गया आपकी पैटर्न। तो आपने देखा कि हमने दूसरी पैटर्न यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दी। चले अभी इसी में ही थोड़ा एक और यहाँ पे पैटर्न इंप्लीमेंट कर देते हैं।
आपने देखा एक पैटर्न हमने, यानी हमने दो पैटर्न्स बनाई, एक ही पैटर्न में से दूसरी पैटर्न बना ली। लेकिन जैसे मैंने ये स्टार पैटर्न बनाई, लेकिन अगर मान लो मुझे कुछ नंबर्स इसमें प्रिंट करने हैं, तो अगर मैं नंबर इंप्लीमेंट करना चाहती हूँ तो कैसे कर सकती हूँ, तो वो भी मैं बताती हूँ। चलिए, नंबर पैटर्न यानी जैसे सपोज आपको ऐसा चाहिए, वन वन टू, वन टू थ्री, या फिर वन टू टू, थ्री थ्री थ्री, फोर फोर फोर, राइट। ऐसा मुझे कुछ चाहिए आउटपुट, राइट, तो कैसे कर सकते हैं? तो सिंपली आपने देखा हम लोग यहाँ पे रो जो है, राइट, वो रो कैसी हो रही है, पहले वन, फिर जब सेकेंड पे आता है तो फिर वो टू थ्री, इस तरीके से चल रही है। और कॉलम हर बार चेंज हो रही है, वन टू थ्री फोर, अलग अलग इटरेशन में। तो अगर मैं जहां पे प्रिंट एफ लगा रही हूँ और मैं यहाँ पे जहां पे स्टार लगा रही हूँ, क्या मैं उसकी जगह पे परसेंटेज डी, और अगर मैं रो लिख दू तो क्या होगा, रो में जो जो वैल्यू चेंजेस होगी वो वैल्यू यहाँ पे मुझे डिस्प्ले होके आ जाएगी। सेम चीज अगर मैं परसेंटेज डी यहाँ पे कॉलम लगाऊ तो जैसे जैसे वैल्यू कॉलम में चेंज होगी वैसे वैसे वैल्यू यहाँ पे मुझे इंप्लीमेंट करके मिल जाएगी। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं। हमने पहले एक स्क्वायर वाली पैटर्न बनाई, फिर उसमें से हम लोगों ने लेफ्ट यहाँ पे एंगल जो पैटर्न है वो बना दी, यानी नॉर्मली इस तरीके से, लेकिन कैसे हो रहा था, स्टार्स पैटर्न यहाँ पे बन रही थी। तो ये एक स्टार हो रहा था, राइट। अभी इसी में ही हम लोग कुछ नंबर्स यहाँ पे ऐड करने वाले हैं, तो नंबर्स वाली पैटर्न, ये दोनों पैटर्न अभी हम लोग इंप्लीमेंट करके दिख रहे हैं। तो मैंने क्या बोला आपसे, यहाँ पे परसेंटेज डी, ओके, लेट्स सी, अगर मैं यहाँ पे रो लिख देती हूँ तो आप देख सकते हो, सी पैटर्न आपकी आ गई, वन टू टू, थ्री थ्री, फोर फोर फोर, फाइव फाइव फाइव, राइट। यानी किस तरीके से, क्योंकि हमने रो यहाँ पे डिस्प्ले करवाया, फर्स्ट रो, फिर सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ एंड फिफ्थ, राइट। लेकिन अभी आप ही गेस कर सकते हो, अगर सपोज मान लो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, कॉलम, राइट, सेव इट एंड रनिंग, तो आप देख सकते हो ये हमारी फोर्थ पैटर्न, राइट फ्रेंड्स। तो आपने देखा एक ही पैटर्न में मैंने हल्का सा चेंजेस किया है, यानी एक ही स्क्वायर वाली पैटर्न बनाई थी और उसमें से हमने चार पैटर्न जो है वो अभी यहाँ पे बना दी है। ना इजी है, राइट। चलो इसी में यही पैटर्न में एक और लॉजिक में आपको इंप्लीमेंट करके दिखाती हूँ। लेट्स सी, मैं एक और चेंजेस करके दिखाती हूँ। जैसे सपोज आपकी पैटर्न है, उसमें कई बार ऐसा लिख के आता है, पता है, ए बी सी डी ई एफ, राइट, एबीसीडी, अल्फाबेटिक्स, न्यूमेरिक कैरेक्टर्स वगैरह चाहिए। तो यहाँ पे अल्फा कैरेक्टर्स चाहिए या न्यूमेरिक कैरेक्टर्स चाहिए, हमने स्टार्स भी देख लिए, नंबर्स भी देख लिए, राइट। तो यहाँ पे ऐसे ही कुछ पैटर्न्स अपने को बनानी है तो कैसे बना सकते हैं, मैं आपको एक हेल्प करती हूँ। एक और चीज आपने ऐसा भी देखा होगा, राइट, कि वन टू, सॉरी जस्ट अ मिनट, हम लोग देखते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, राइट, आपने ऐसी भी कोई पैटर्न्स देखी होगी, राइट। तो अगर मुझे ऐसी कोई पैटर्न्स बनानी है तो कैसे बना सकते हैं, तो आप एक सिंपल सी चीज देख रहे हो कि ये वाली पैटर्न और ये वाली पैटर्न दोनों में लॉजिक तो कोई एक ही रहने वाला है, राइट। लॉजिक जो है वो तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही रहेगा। तो मैं एक काम कर सकती हूँ, जहां पे मैं अब तक रो एंड कॉलम डिस्प्ले करवा रही थी, मैं एक काम कर सकती हूँ, मैं यहाँ पे नम करके वेरिएबल ले लू, उसकी इनिशियल वैल्यू में क्या ले लू, वन। जितनी भी बार मैं यहाँ पे प्रिंट एफ यूज कर रही हूँ, और ये प्रिंट एफ में जहाँ पे अपने परसेंटेज डी लगा रहे हैं नंबर, राइट, वो नंबर के अंदर जितनी बार वो प्रिंट करेगा तो यहाँ पे वो मुझे क्या कर देगा, वन प्रिंट कर देगा। फिर मैं तुरंत यहाँ पे क्या करूंगी, नम प्लस प्लस, राइट, अगेन वो क्या करेगा, लूप जो है वो तो जैसे घूम रहा है वैसे ही घूमेगा, क्योंकि हमारे पास ये पैटर्न तो प्रॉपर रेडी ही है, राइट। तो वन फिर टू एंड थ्री, राइट, इसी तरीके से हमारा लूप जो है वो क्या होने वाला है, रिपीट होने वाला है। तो चलिए मैं इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके ही दिखाती हूँ। यही पैटर्न में हम लोग चेंज करेंगे, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे, ठीक है, तो नंबर वेरिएबल इंटीजर नाउ इज इक्वल टू वन, ओके, और नाउ यहाँ पे कॉलम की जगह पे नम, ओके।
अगर ध्यान से देखो, अगर मैं सिर्फ नंबर इतना ही प्रिंट कर दूंगी तो वो वन 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 प्रिंट करके दिखेगा। सी ये तो नहीं चाहिए ना अपने को, राइट? तो यहाँ पे अपने क्या करें, ये पैटर्न ऐसा नहीं चाहिए, तो उसको सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं? तो हम लोग यहाँ पे ये जो है नाउन प्लस प्लस बस सेव करें और ये भी यहाँ पे इसको रन करवाते हैं। तो लेट्स सी, देखो आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से आप इसको विजुलाइज करवा सकते हो। तो आपने देखा इतने इजीली हमने ये पैटर्न को इम्प्लीमेंट कर दिया, राइट फ्रेंड्स? बट ये चीज आपको इसको इम्प्लीमेंट करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी, तभी ये चीज पॉसिबल होगा।